हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का बताया था और इसमें आपने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है, ठीक है। हमने ये भी बताया था आपको कि फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड पे और डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में किस तरीके से चेंज किया जाता है। कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी बताया थे और आपको वर्कबुक दिया था जो कि आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो आज हम नया पढ़ाएंगे, फिर से चेंज है सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे और जो फारेनहाइट है उसको कैसे चेंज करेंगे केल्विन में, ठीक है। दोनों चीज़ बताएंगे, सही समझिएगा, ठीक है। देखिए, दो फार्मूले इसमें दिए हुए हैं, एक सी इक्वल टू के माइनस 273, ठीक है। एक ये फार्मूला है, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए ये फार्मूला, ठीक। और अगर फारेनहाइट दिया हुआ है और उसको केल्विन में कैसे निकालेंगे उसके लिए दूसरा फार्मूला है, इस एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5, ठीक है। इन दोनों फार्मूले से हम सेल्सियस को केल्विन में और फारेनहाइट को केल्विन में कैसे करेंगे ये हम बताते हैं आज, ठीक है। देखिए, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक डिग्री 32 फारेनहाइट को केल्विन में करना है और दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला हम सम्स करेंगे, पहला है 32 डिग्री फारेनहाइट, फर्स्ट है 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। इसको हमें केल्विन में करना है, केल्विन में करना है, फारेनहाइट दिया हुआ है, तो हमारा सेकेंड फार्मूला बनेगा, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5, ठीक है। ये फार्मूला है, इससे लगेगा क्या हो जाएगा, एफ हमारा दिया हुआ है 32, तो 32 माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 32 माइनस 32 तो क्या आ जाएगा, 0/9 इज इक्वल टू के माइनस 273/5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो क्या होता है, सम जो नंबर आता है वो 0 आता है। अगर हम इसमें इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 में फिर इसका डिवाइड अगर होगा तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू के माइनस 273, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 273, ठीक, 273 होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 273 आ जाएगी, ठीक है, 273। इसका मतलब क्या है, यहाँ पास क्या है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पास भी 0 आ गया था, ठीक है, यहाँ पास क्या हुआ, 0 आ गया, तो 273 होगा इसका केल्विन का मान, ठीक है। जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 273 होगा, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरा सम्स करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड वाला फार्मूला है, फर्स्ट वाला जो फार्मूला है उसको अपनाएंगे, सी इक्वल टू के माइनस 273, ठीक। अब क्या है, सी की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई है, तो 100 इज इक्वल टू के माइनस 273, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या नंबर है हमारी, इसको चाहे इधर ले जाओ और उसको चाहे इधर ले जाओ, ठीक है। अगर माइनस वाला है इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 273 और प्लस 100, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्कुलेटर, ठीक
के 100 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन का ये मान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, चेंज होता है। अगर डिग्री फारेनहाइट को हमें केल्विन में करना है तो इस तरीके से होगा, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है इसको हमें केल्विन में करना है तो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तीन, ये आपको करना है होमवर्क में। पहला दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन, दूसरा दिया हुआ है 115 डिग्री फारेनहाइट इंटू केल्विन, और तीसरा दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू फारेनहाइट एंड केल्विन। मतलब 30 ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फारेनहाइट और केल्विन दोनों में चेंज करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने आपको ये बताया है, ठीक।